कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर टीकमगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। सोमवार रात गांधी चौराहे पर जनसभा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अब भी समय है, वे सुधर जाएं, वरना कांग्रेस की सरकार बनते ही 15 सालों तक भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी मौसम वैज्ञानिकों की तरह आगामी चुनाव का हाल समझ गए हैं, इसलिए वे अब फोन लगाकर बात सुनने लगे हैं। दरअसल सोमवार रात कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर टीकमगढ़ पहुंचे थे। रास्ते में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देर रात गांधी चौराहे पर आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सुनिए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने क्या कहा। देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमारी जो योजनाएं बनती हैं वो हमारे कार्यकर्ता तो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पाती थी, जिस वजह से राहुल गांधी जी को जनता में जाने के लिए, जनता की बात सुनने और अपनी सोच को बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। उसी कारण से हमें कमलनाथ संदेश यात्रा भी निकालनी पड़ी। ये कमलनाथ संदेश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, 230 विधानसभाओं में। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो जनहितैषी काम किए थे उनके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, और जो अभी हमने वचन दिया है जब हमारी सरकार आएगी 5 महीने बाद तो हम क्या करना चाहते हैं, उस उद्देश्य यात्रा निकाली जा रही है। संदेश यात्रा समर्थन मिल रहा है क्या जनता? जबरदस्त, मेरी कल्पना जितनी थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि 2 बजे का समय जहाँ दिया वहाँ 6 बजे पहुँच पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि बहुत जनता का हजूम हर जगह उमड़ रहा है और ये जनता ने तय कर लिया है। ये हम लोगों ने तय नहीं किया कि सत्ता परिवर्तन करना है, वो तो जनता ही ने तय कर लिया, और अभूतपूर्व समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, जिससे गृहमंत्री के रोज बयान आ रहे हैं यात्रा के बारे में। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने भी एक यात्रा को लेकर कुछ ट्वीट किया है कल, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से उनकी बौखलाहट है जो